नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 156वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर एक, प्रधानमंत्री मोदी बने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई के बाद मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस मंदिर न्यास के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल 16 सालों तक न्यास के अध्यक्ष पद पर रहे थे। उनके निधन के चलते यह पद खाली हो गया था। इस नियुक्ति के साथ मोदी न्यास के 8वें अध्यक्ष बने हैं। नंबर दो, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। गुजरात पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत बने श्री सोमनाथ धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्ट में 8 सदस्य होते हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें 4-4 सदस्यों को नॉमिनेट करती हैं। सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य किया जाता है। सोमनाथ मंदिर आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। यह मंदिर गुजरात पर्यटन का एक प्रसिद्ध केंद्र है। इतिहास में कई बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया है। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। नंबर तीन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह इस वर्ष 23 जनवरी से शुरू होंगे। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने घोषित किया कि सरकार हर वर्ष 23 जनवरी के दिन सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। संस्कृति मंत्री ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की वर्षगांठ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से मनाई जाएगी। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में 23 जनवरी को होने वाले उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय कटक ओडिशा में नेताजी के जन्म स्थान पर भी एक कार्यक्रम आयोजित करेगी। नंबर चार, सरकार ने व्हाट्सएप से हाल में अपनी निजता नीति में किए बदलाव को वापस लेने को कहा। सरकार ने व्हाट्सएप कंपनी से कहा कि वह अपनी निजता यानी प्राइवेसी नीति में हाल ही में किए गए बदलावों को वापस ले। सरकार ने यह भी कहा कि एक तरफा तरीके से किए गए कोई भी बदलाव अनुचित और अस्वीकार्य हैं। सूचना मंत्रालय ने कठोर शब्दावली वाला एक पत्र व्हाट्सएप के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विल कैथार्ट को लिखा है, जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप की सेवा शर्तों और निजता नीति में उपयोगकर्ताओं को छोड़ने का विकल्प दिए बिना किए जा रहे प्रास्ताविक बदलाव गंभीर चिंताएं पैदा करते हैं। इनसे भारतीय नागरिकों की स्वायत्तता और उनके चुनने की स्वतंत्रता को लेकर कई दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने व्हाट्सएप से कहा कि वह प्रस्तावित बदलावों को वापस ले ले और सूचना संबंधी निजता चुनने के विकल्प और डेटा सुरक्षा के बारे में अपनी नीति पर पुनर्विचार करे। बता दें कि कुछ ही दिन पहले लाखों भारतीय यूजर्स को व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और सेवा शर्तों को लेकर नोटिफिकेशन मिला है, जो कि 8 फरवरी से लागू हो रही हैं। इन शर्तों में कहा गया है कि व्हाट्सएप पहले के मुकाबले अपने पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ अधिक डेटा शेयर करेगा, जिसका इस्तेमाल विज्ञापनों में होगा। यदि 8 फरवरी तक यूजर्स नई शर्तों को स्वीकार नहीं करता है तो उसके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। नंबर पाँच, जो बाइडेन ने ली अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल देश के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कमला हैरिस ने भी अपनी अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसी के साथ वे अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। इस पद को ग्रहण करने वाली वे दक्षिण एशिया मूल की भी पहली और पहली अश्वेत महिला भी हैं। 78 वर्षीय जो बाइडेन ने अपनी 127 वर्ष पुरानी पारिवारिक बाइबल के साथ शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह कोरोना वायरस महामारी के बीच आयोजित किया गया। इस बार पहले की तरह वॉशिंगटन में भीड़ नहीं जुटी और न ही किसी राष्ट्राध्यक्ष को न्योता दिया गया। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति की शपथ दिलाई। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि इनमें से कौन सी उपाधि सुभाष चंद्र बोस के नाम के साथ नहीं जोड़ी जाती है। ऑप्शंस हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कलकत्ता शहर के मेयर, इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर या होम रूल लीग के संस्थापक। आप अपने जवाब हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि भारत के किस खिलाड़ी ने मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। दोस्तों,
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टी नटराजन। आप में से इनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।